चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के एन सी आर टी क्वेश्चन आंसर इससे पहले की वीडियोज में हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कवर करे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कवर करे अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अपने चैप्टर को एकदम क्रिस्टल क्लियर करना है लेट्स गेट स्टार्टेड फिल इन द ब्लैंक्स द फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ पेरेंट इज कॉल्ड डैश तो ध्यान रखना है वेजिटेटिव पार्ट यूज किए जा रहे हैं पेरेंट प्लांट के इन ऑर्डर टू ग्रो न्यू इंडिविजुअल सो द करेक्ट आंसर इज वेजिटेटिव प्रोपर्गेशन तो ध्यान से स्टेटमेंट को रीड आउट करना है एंड देन यू आर एबल टू सेलेक्ट द पर्टिकुलर आंसर इज एट क्लियर सो नेक्स्ट वन इज अ फ्लार मे हैव इधर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सच अ फ्लावर इज कॉल्ड डैश जो कलर्ड पार्ट है बेसिकली वहां पर आपको डैश दिया होगा बिकॉज दीज आर दी फिल इन द ब्लैंक्स तो ध्यान रखना है इधर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट लिखा है दैट मीन्स आपको ध्यान रखना है यूनिसेक्शुअल फ्लावर्स जो होते हैं या तो उनमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और बाइसेक्शुअल फ्लावर्स में बोथ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ठीक है ना चलो नेक्स्ट वन है द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू दी स्टिग्मा ऑफ दी सेम और फ्लार सेम काइंड पॉलिनेशन भी लिख सकते हो वरना अगर डेफिनेशन को प्रॉपरली रीड करो तो सेम सेम की बात हो रही है तो मैंने आपको बताया था सेम सेल्फ पॉलिनेशन इज द करेक्ट आंसर द नेक्स्ट पार्ट इज ऑप्शन डी द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स इज टर्म एज डैश फर्टिलाइजेशन और ध्यान रखना है फ्यूजन की जगह यूनाइट वर्ड भी यूज हो सकता है तो मेल और फीमेल गेमीड्स जब फ्यूज करते हैं इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं जब ट्रांसफर होता है तब पॉलिनेशन जब यूनाइट करते हैं तब फर्टिलाइजेशन नाउ द लास्ट वन इज सी डिस्पर्जल टेक प्लेस बाई मीन्स ऑफ डैश डैश एंड डैश दे आर थ्री ब्लैंक सो so, आपको ध्यान रखना है सीड डिस्पर्सल जो है बाय विंड हो सकता है बाय वाटर हो सकता है बाय एनिमल्स हो सकता है तो तीन ब्लैंक है आपको तो तीनों फिल करने हैं विंड वाटर एंड एनिमल्स थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल लर्न एंड ग्रो बेटर